जमशेदपुर के कदमा स्थित रंकिनी मंदिर द्वारा आयोजित दुर्गोत्सव पूजा का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजसेवी सह श्रीलेदर्श बिष्टुपुर के पार्टनर द्वारा किया गया। उसके साथ ही पूजा पंडाल आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मौके पर मौजूद शेखर डे ने दुर्गा पूजा द्वारा दिए जाने वाले संदेश पर भी बात रखी। इस साल 76 वर्ष हो रहा है। एक काल्पनिक पंडाल है जो बंगाल के कारीगर आकर के बनाए। कितने दिन से पंडाल बना रहे थे और क्या और कितना लागत लगा है? करीब एक महीना पहले से बना रहे हैं और सब लाइट वगैरह लेकर के 12-13 लाख रुपया का खर्चा। यहाँ पे लोग करते हैं। हाँ। और इस बार भी कुछ अलग यहाँ पे देखने को मिला। एकदम एकदम वंदे भारत, इस बार अमृत। हाँ अमृत से और पंडाल भी एकदम, ये जो पंडाल बना है हमको लगता है आप कहीं इतना सुंदर पंडाल नहीं बना, इतना भव्य। और सिर्फ वही बात नहीं है, इसमें कोई उस तरफ से बोलेगा तो कोई चकचमक नहीं है, लेकिन इतना सुंदर पंडाल नहीं मिलता। शादी नवरात्र चल रहा, क्या बोलेंगे? और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दुमका से है, जहां दुमका की एक बेटी अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र की एक पीड़ित बेटी रीना कुमारी ने अपने पिता को तमिलनाडु मजदूरी को लेकर ले जाने पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। और अब तक रीना कुमारी के पिता की खबर नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर बेटी ने चिंता व्यक्त की है और थाना एसपी डीसी के पास न्याय की गुहार लगाई गई है। विभागीय अधिकारियों की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। रीना कुमारी ने बताया कि मनोज किशोर राय को तमिलनाडु काम के बहाने लेकर उन्हें ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है और उनसे बात भी नहीं हो पाई है। बहुत बार गए, थाना वाला कुछ नहीं कर रहा है। एसपी के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है। डीसी के पास भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ कार्रवाई ही नहीं कर रहा है उसके खिलाफ़। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह करके भी उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो और जांच हो। मेरा जो ससुर जी है वो है कि नहीं है? अगर है तो मुबारक अंसारी, मतलब उसके द्वारा बोला जाए कि वो घर तक ला दे जाए। और नहीं है, बहुत बार गए, थाना वाला कुछ नहीं कर रहा है। एसपी के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है।